सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी वाइब्स। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आप लोगों ने थंबनेल तो देख के पहचान ही लिया होगा आज से क्या स्टार्ट हो रहा है। आज से हमारी डेवलपमेंट बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो इस सीरीज में हम जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हम डेवलपमेंट बायोलॉजी अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो पढ़ते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी होता क्या है। तो डेवलपमेंट बायोलॉजी बेसिक एक कंसेप्ट है जो हमें ये बताता है, जैसे हम बोल रहे हैं, हम भी कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल है ना इन्वॉल्व है। हमारे पूरी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट है हमारी पूरी बॉडी को फॉर्म करने के लिए। बट ऐसा स्टार्टिंग से ही तो नहीं होता है ना, पहले तो डेवलपमेंट होती है। बेसिकली फॉर्म कहाँ से होता है, एक सिंगल जायगोट से जो है फॉर्म हुए होते हैं, तो उससे इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाना। तो बेसिकली डेवलपमेंट बायोलॉजी क्या है, डेवलपमेंट बायोलॉजी ब्रांच ऑफ स्टडी विच एम्स टू अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनिज्म डेवलप। एक ऑर्गेनिज्म, एक इतने से एक सिंगल सेल जायगोट है, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप हुआ, ये हम डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट जो है, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनका क्या मेनली मोटिव क्या होता है, एक स्ट्रक्चर को समझना, ना कि उनके फंक्शन को समझना। डेवलपमेंट बायोलॉजी हम चीज़ों के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ना कि उनके फंक्शन को। ठीक है, अगर आप किसी भी बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे, जो डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट, आप उससे पूछेंगे कि जो आप स्ट्रक्चर बता दोगे भैया, तो बोलेंगे हाँ जी हाँ बिल्कुल बता देंगे। अगर आप बोलोगे आप इस स्ट्रक्चर का फंक्शन बता दोगे भैया हमें, तो बोलेंगे ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा ये, तो बड़ा टिपिकल काम हो गया, हमसे ना हो पाएगा ये। ठीक है, अगर जैसे इसका एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारी जो थ्री डर्म लेयर्स है, लेयर फॉर्म होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो वो जब हम डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ये कैसे फोल्ड होती है, ना कि हम ये पढ़ते हैं जो फोल्ड हुई तो इनका फंक्शन क्या है। हम चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, जिसके बारे में वो पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सही बोल रहे हो आप लोग, स्पर्म्स का, स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है मेल्स में देखने को मिलता है, मेल्स में होता है। ठीक है, और ह्यूमन मेल्स में कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, ये वेराई करता है, ये प्रोसेस जो है वर्टिब्रेट्स में वेराई करता है डे बाय डे। जैसे मेल्स में 74 डेज लेता है कंप्लीट होने में, ऑन दी अदर हैंड माउस में ये 34 टू 35 डेज में कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पे होता है ये, हमारे जो जो सेमिनिफेरस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहाँ पे ये प्रोसेस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस वो चल रहा होता है। ठीक है, जो पेयर टेस्टिस होते हैं वो 200 टू 300 मिलियन जो स्पर्म है उसको रिलीज करते हैं पर डे, बट उसमें जो 100 मिलियन ही है वो वेबल हो पाते हैं, मतलब मूवमेंट के लिए या फिर फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। अगर आपने मेरी जो मेल जेनेटिक सिस्टम है वो वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के जो है तीन फेज होते हैं, एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, एक होता है ग्रोथ फेज, एक होता है मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज से समझ में आ रहा होगा, जो डिवाइड होगा सेल जो है वो डिवाइड होगा, ग्रोथ फेज में जो सेल है उसका डेवलपमेंट होगा, ग्रो होगा, और मैचुरेशन फेज में जो भी सेल है, जो भी स्पर्मेटोगोनिया है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फेज के बारे में। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज होता है स्टार्ट कहाँ से, जो हमारे जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, जब ये प्यूबर्टी आती है, तो प्यूबर्टी के आने के बाद ये क्या करते हैं, जो पीजी सेल्स होते हैं, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में पीजी बोलते हैं, ये माइटोसिस करते हैं और डिवाइड हो जाते हैं स्टेम सेल्स में। ये माइटोसिस करके बन जाते हैं स्टेम सेल, स्टेम सेल में अगेन माइटोसिस होती है और वो बन जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है आपके दो टाइम के बनते हैं, स्टेम सेल जो है डिवाइड होकर स्पर्मेटोगोनिया बनाता है, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया, एक होता है बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जो ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया होता है उसके बाद हेट्रोक्रोमेटिन नहीं होता, क्या नहीं होता, हेट्रोक्रोमेटिन जो है हमारा ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया के पास नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड हमारे जो बी बी टाइप होता है स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद हेट्रोक्रोमेटिन होता है। ठीक है, जब ए टाइप के पास हेट्रोक्रोमेटिन नहीं है तो जाहिर सी बात उसको नुकसान तो हो गई, तो उसका क्या नुकसान है कि वो स्टेम सेल, ऐसे स्टेम सेल है जो जो माइटोटिकली डिवाइड होता है और आगे जो बी सेल है उनको प्रोवाइड कर, उनमें डिवाइड होकर बी सेल का फॉर्मेशन करता है, मतलब खुद को डिवाइड होकर बी बी का फॉर्मेशन करता है, वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं जो हमारे ए स्टेम सेल है। और साथ ही साथ उनका क्या काम होता है, थोड़ा थोड़ा जो नरिशमेंट है हमारे जो स्पर्मेटोगोनिया है उनको प्रोवाइड करवाना। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा बी स्पर्मेटोगोनिया होता है, इसके पास तो हेट्रोक्रोमेटिन है, तो ऑब्वियस बात है भाई ये तो राजा है राजा, तो इसका क्या काम होगा, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है इसके सॉरी जो ये बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया है इसके पास हेट्रोक्रोमेटिन है, इसलिए इसे हम प्राइमरी स्पर्म सेल भी कहते हैं, मतलब आगे जाके जो स्पर्म सेल है स्पर्म जो है इसका फॉर्मेशन करेगा, जो हमारा बी हेटेरोक्रोमेटिन है का वो है। ठीक है, और ये जो है एक फर्स्ट वर्जन है, जो मेल सेक्स और सेल होता है, जो स्पर्म है जो वो मेल सेक्स सेल है उसका जो फर्स्ट वर्जन जो है आपको हमारा जो बी स्पर्मेटोगोनिया है वो होता है। ठीक है,
जो ये जो होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज था, मल्टीप्लिकेशन फेज में हमने देख लिया पीसी सेल डिवाइड होते हैं, फिर स्टेम सेल बनाते हैं, स्टेम सेल स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। अब बात करते हैं ग्रोथ फेज की। इस फेज में होता क्या है, जो बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, उनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, उनके जितने भी जो सिंथेसिस होते हैं आरएनए का एमआरएनए का ये सारा जो इंक्रीज हो जाता है। और उस बाद जब ये डेवलप हो जाते हैं, मतलब हो गए टूसे को जब इतना बड़ा होगा ये ग्रो कर करके, उसे बोलेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सॉरी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या होता है, जब ये ऐसी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई, ये आप जो ल्यूमन होता है, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास ये पूरा एरिया होता है तो बीच में खाली स्पेस होता है, ल्यूमन के पास आ जाता है। ल्यूमन के पास जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आता है तो उसके बाद क्या करता है, ये अपने जो डीएनए है उसको डुप्लीकेट करता है आगे जाके जो ग्रोथ फेज है, जो मैचुरेशन फेज है उसमें एंटर करने के लिए। इसमें क्या होगा, जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो आगे वो डिवीजन लेंगे और फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। ठीक है, कितने बनाएंगे, फोर हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टू सक्सेसिव मियोटिक डिवीजन होती है आपकी। तो पहली जो होती है हमारा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिवीजन करता है और हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उसका फॉर्मेशन करता है। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये थोड़ा टाइम रुकते हैं, फिर ग्रो होते हैं, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सब ग्रो कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसमें इनका जो फोर स्पर्मेटिड है उसका हैप्लॉइड स्पर्मेटिड उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो कैसे हुआ, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने हर एक दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो उन्होंने दो दो करके आपके हमारे हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाए। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये रिंग सर्कल शेप के होते हैं, ये हमारे इनके पास फ्लैजिला उस वक्त डेवलप नहीं हुआ होता है, ये सर्कुलर शेप के होते हैं, ये रिंग शेप के होते हैं। उनके पास ह्यूमन बींग में कितने क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, हमारे स्पर्म में या ओवम में 23 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं और टोटल होते कितने, 46 होते हैं, सॉरी हाँ 46 होते हैं। ठीक है, था मैचुरेशन फेज देख लिया। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।